कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने, तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे ही कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां बुलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी दूसरा प्रदेश हो। और बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे पटना में, उन्होंने कहा है कि अब विपक्ष मिलकर के बीजेपी को हराने जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि शरद पवार लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं। तो देखिए, विपक्षी दलों की बैठक है, लेकिन उससे पहले शरद पवार लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं। कल ममता बनर्जी को भी हमने देखा, वो भी लालू यादव से मिलने पहुंची थी। क्या रणनीति होगी, किस फॉर्मूले पर एक साथ ये तमाम जो विपक्षी दल है वो साथ आएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, लेकिन वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शरद पवार कि ये तस्वीरें जब वो लालू यादव से मिलने उनके पास पहुंचे थे। तो ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर एक समावेश जो है तमाम पार्टियों के बीच बैठेगा, क्योंकि देखिए पार्टी बैठक होने से पहले ही